बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे ब्रेड से एक स्वीट, क्विक इजी और सिंपल तरीके से। यहाँ पर मैंने ले लिए है कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स, शक्कर, कोकोनट पाउडर, मिल्क पाउडर, दूध, इलायची पाउडर, रोज वाटर, और कलर आप अपनी पसंद का ले लें, और ब्रेड की स्लाइसेस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ब्रेड के अंदर डालने के लिए स्टफिंग बना लेंगे। यहाँ पर हम इंस्टेंट मावा बनाएंगे। आधा कप ले लिया है मिल्क पाउडर, 1/3 कप डाल देंगे हम इसमें दूध। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम हमने अभी ऑन नहीं किया है। 1 टेबलस्पून शक्कर डाल देंगे, मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके गाढ़ा होने तक हम इसे पका लेंगे। और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट ले लिए हैं 2 टेबलस्पून, काजू बादाम और पिस्ता, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें हम डाल देंगे कोकोनट पाउडर, या ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या तो स्किप कर दें। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं, इसे बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है, हमें थिक सा कर लेना है। काफ़ी गाढ़ा हो गया है, गैस का फ्लेम हम कर देंगे बंद। ये जैसे ही ठंडा होगा और गाढ़ा होता जाएगा। अगर आप के पास मलाई हो तो आप मलाई से भी बना सकते हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। एक बाउल में निकाल लिया है, इसे करते हैं साइड। वापस से हमने पैन चढ़ा दिया है, शुगर सिरप बना लेंगे, आधा कप शक्कर, आधा कप पानी, गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है हमें, बस इसके पिघल जाने तक हम 2 से 3 मिनट इसे उबालेंगे। एक उबाल आ गया है, इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून रोज वाटर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, और इसमें मैं डाल दूंगी फूड कलर। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी कलर ले लिया है, स्ट्रॉबेरी फूड कलर। अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। 2 से 3 मिनट हमने इसे अच्छे से उबाल लिया है, इसमें की चीनी अच्छे से घुल गई है। अब गैस का फ्लेम हम कर देंगे बंद और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। एक बाउल में निकाल लिया है, इसे ठंडा होने देते हैं। पर हम एक ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे। मेरे पास एक कुकी कटर है, मैं इससे कट कर लेती हूँ। आपके पास कोई भी कैप ढक्कन हो उससे कट कर ले, आपको जितने बड़े कट करना है कट कर ले। इसी तरीके से कट करके हम सब तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने सब कट करके तैयार कर लिए हैं, इन्हें करते हैं साइड। जो मावा हमने बना लिया है उसे ले लेंगे। एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और इसमें हम अच्छे से लगा लेंगे, चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे, और एक दूसरी स्लाइस लेकर इसके ऊपर हम प्रेस करके लगा देंगे। इसी तरीके से हम सब बना करके तैयार कर लेंगे। शुगर सिरप ले लेंगे, जो स्टफिंग हमने कर ली है उसे इसके अंदर हम डिप करेंगे, और एक्सेस चाशनी हम इसकी निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम ले लेंगे कोकोनट पाउडर, कोकोनट पाउडर में हम इसे अच्छे से कोट कर देंगे। इसी तरीके से सब बना करके हम तैयार कर लेंगे। सभी हमारी बन करके तैयार है, इसको हम पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। सर्व करने के लिए तैयार है। ब्रेड से बनी स्वीट हमारी बन करके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।